नमस्कार। आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, हरी इलायची डालेंगे, दो लौंग डाल देंगे, एक काली मोटी इलायची डालेंगे, साबुत काली मिर्च डाल देंगे, दालचीनी डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। इन्हें यहाँ पे हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 लंबे कटे प्याज डालेंगे और एक बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप अदरक लहसुन को घर में भी घिस के डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 हम हरी मिर्च काट के। जो हरी मिर्च है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। काजू डालेंगे यहाँ पर और फिर यहीं पे डाल देंगे हम टमाटर और इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे ताकि जो हमारे टमाटर काजू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ताजी दही और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और बिल्कुल लगातार इसे चला के मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, दही जो है फटेगी नहीं। फिर हम इसे ढक के रख देंगे ताकि जो दही है वो भी हमारे मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें से हम तेज़पत्ता, दालचीनी निकाल लेंगे और बाकी सामान को हम ग्राइंडर जार में डाल के इनकी बिल्कुल एकदम से स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम बटर डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी है उसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। यहाँ पे जो हमने अपने टमाटर की प्यूरी तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे और लगातार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो ग्रेवी है मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध डाला है। आप यहाँ पे आधा कप गर्म पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो दूध से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी ग्रेवी तैयार है, कितनी क्रीमी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो पनीर लिया इसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया और इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अपना सारा पनीर इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहीं पर डाल देंगे हम कसूरी मेथी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और यहीं पर डालेंगे हम चीनी। चीनी से क्या होता है कि सारा टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाता है। गरम मसाला डालेंगे, सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के रख देंगे। 2 मिनट तक हमने अपने शाही पनीर को पका लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा शाही पनीर बनके तैयार है, कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाला, कितना क्रीमी हमारा शाही पनीर बनके तैयार हुआ है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।